तो हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राइट नाउ एनर्जीज थोड़ा इंटेंस हैं। थोड़ा सा गाइडेंस है इस टाइप की कि आपको शांति बना के रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको अपने इनर वर्क पर भी कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। इनर वर्क को फिर से वापस होल्ड करने की ज़रूरत है, अच्छे से इनर वर्क को परस्यू करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं नोटिस में जहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप जर्नी में ढील देते हैं तो आपका यूनियन डिले हो सकता है, आपकी चीज़ें डिले हो सकती हैं, आपको हो सकता है कि आगे और इंतज़ार करना पड़ जाए, और तपस्या बढ़ जाए आपकी, और साधना बढ़ जाए आपकी। तो आई होप ऐसा कोई भी नहीं चाहेंगे आप लोग। तो अपने इनर वर्क को अच्छे से कंटिन्यू करिए, अच्छे से परस्यू करिए, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, एनर्जी का ध्यान रखिए, और अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके रखिए। सो दोस्तों, ये है आपके लिए राइट नाउ के लिए एंजल्स की गाइडेंस, आपके यूनिवर्स की गाइडेंस। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग को कि क्या रीज़न है कि आप लोग इतना कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं, कुछ लोगों को नींद के इशू हो रहे हैं, और कुछ लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जर्नी के अंदर, या फिर कुछ पिछले ट्रिगर्स जो है वो वापस से सरफेस हो रहे हैं, पिछले कुछ ऐसे उनके जो इश्यूज रहे हैं वो वापस से सरफेस हो रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, पास्ट में जब हैंडल कर लिया तो अब तो आप हैंडल कर ही जाओगे, ठीक है ना? तो कोई आपको बहुत ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज थोड़ा इंटेंस है बिकॉज आपको पता है कि आगे होली भी आ रही है, ठीक है? होली एक बड़ा शिफ्ट है, एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। उसी टाइम पर आपको पता है कि पूर्णिमा है, फुल मून है, और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी उसी दिन है। इसलिए ये वजह है कि एनर्जीज थोड़ा इंटेंस हैं। आपको स्लीप इश्यूज भी हो सकते हैं, स्लीप पैटर्न चेंज हो रहे होंगे आपकी, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक है? तो आप देख लेते हैं कि क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए राइट नाउ इस फुल मून पर, इस होली के त्योहार के अवसर पर क्या एनर्जीज बनी रहने वाली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, और आपको आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम वही देखने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि होली के अवसर पर और इस फुल मून के अवसर पर क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। कार्ड्स बिल्कुल न्यू हैं, जिसकी वजह से मुझे भी अभी शफलिंग का इनका प्रैक्टिस नहीं है। तो क्वीन ऑफ कप्स, बहुत लंबे वक्त से अगर आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है? एंड कुछ भी अगर मिसिंग था तो वो आपको अब मिलने के चांसेस है, अब आपको मिलने वाला है, ठीक है? आप कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस में अगर जा रहे थे, आपको अगर एक थोड़ा निराशा का भाव आ रहा था, और कहीं ना कहीं अगर आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा था और आपकी भावुकता पिछले कुछ टाइम से बढ़ रही थी, तो आप वो भी बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटल्स आकर ये बता रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि आपको आगे तक लेके जाएंगी। अगर आप कुछ किसी भी तरीके से उन क्वालिटीज़ से भाग रहे थे, उन क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे, तो अब आप अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से पहचान पाएंगे, देख पाएंगे, और आगे आप अपनी जर्नी को अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। आपके लिए पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आ गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको मीन्स पहली ही ब्लेसिंग आपकी जर्नी के आगे असेंशन के रूप में मिलने वाली है ना? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे असेंशन, जो चीज़ें आपकी छूट रही थी वो आपको मिलते हुए। ये देखिए क्वीन ऑफ वेसल्स के आगे एम्परर आ गया है, जो आके ये बता रहा है कि अगर किसी ने भी आपको कमतर समझा था, कमतर आंका था, ठीक है, और वो किसी ना किसी का, आपकी लाइफ के किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे आपकी लाइफ में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रिलेशन, उनका ईगो जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, ठीक है?
और साथ ही साथ एम्परर की एनर्जी आके ये भी बता रही है कि कोई बड़ा इंसान आपके परिवार में अगर आपसे रूठा था, आपसे परेशान था, नाराज था, वो भी उनके भी मानने के चांसेस हैं, वो भी आपको इनिशिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। उनकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईगो जाएगी किसी ना किसी रूप में, ठीक है ना। ये देखिए किंग ऑफ पेंटेकल्स, हाँ एम्परर के बाद किंग ऑफ पेंटेकल्स, तो आपके तरफ ये पर्सन इनिशिएट कर सकते हैं, भले ही इनकी गति स्लो हो, इन्होंने पास्ट में आपको एक तरह से या कह सकते हैं हम इग्नोर किया है, कुछ भी किया है, अपनी ईगो में आकर इन्होंने आपको मीन्स आपके साथ अपने कनेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई है, लेकिन अब मैं इनका ईगो जाता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इनिशिएट करेंगे, ये आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपको समझेंगे, और अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था तो उस चीज़ से भी ये बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये स्लो ही सही बट आपकी तरफ ये मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं, है ना, आपकी तरफ ये थोड़ा स्लो गति से ही सही लेकिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एकदम से आके कुछ माफ़ी वगैरह मांग के, कार्ड्स ना बिल्कुल न्यू हैं तो मुझे भी अभी इनका शफल करने का इतना प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं बिकॉज बिल्कुल न्यू हैं और स्लिपरी हैं कार्ड्स। ये मतलब ये जो भी इंसान है इनकी गति चाहे स्लो हो लेकिन ये फिर भी आपकी साइड आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट में इन इंसान ने आपकी अहमियत को नहीं समझा था, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा था, आपको वो लेवल का आपको शायद इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जो इनको अब यूनिवर्स समझा रहे हैं कि आपने मतलब आप इनके लिए शायद एक ब्लेसिंग थे आपके साथ कनेक्शन होना, या फिर ये अगर कोई बड़े एल्डरली पर्सन है तो इन्होंने आपकी क्वालिटीज़ को कमतर करके आंका था, बहुत कम करके आंका था, और ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे, ठीक है। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं घर के, बट इन्होंने आपको ना एक सर्टेन लेवल पर जैसे अंडर एस्टिमेट किया था, ठीक है। तो इनका एक ऐसा है कि ये शायद अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपको लेकर इनके जो भी सोच थी, जो भी थिंकिंग थी, वो कहीं ना कहीं इनके ईगो से मतलब इनके ईगो को क्योंकि चैलेंज करती थी, इस वजह से ये पहचान नहीं पाए या ये देखना नहीं चाहते थे आपकी किसी भी क्वालिटी को, रिकग्नाइज नहीं करना चाहते थे, और वही चीज़ अब ये अपनी ठीक करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है ना, ठीक करना चाहेंगे। ये आपको किसी तरह की ये हेल्प मिल सकती है इनसे, किसी तरह का सपोर्ट मिल सकता है इनसे, आपको इन पर्सन से, पास्ट में इन पर्सन की जो भी आपसे ग्रजेज रही हूँ, जो भी इनकी आपसे परेशानियाँ रही हूँ, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हूँ, क्लियरली मैं वो सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटेकल्स, ये आपसे मिल लेंगे, आपकी संभावना है कि आप इनसे मिलें, ठीक है। आपसे ये शायद कोई मीटिंग अरेंज करेंगे, या आपको किसी तरह की अगर हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको उस जगह पर ये सपोर्ट करेंगे जहाँ पर भी पास्ट में इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था। अब ये इंटरनली एक तरह से जिसको कहते हैं ना आपकी फेवर में है, ठीक है, आपकी फेवर में आ रही है धीरे धीरे, कुछ भी करके इनके हो सकता है आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा सोच बदल रही है, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं तो आपको मिसअंडरस्टैंड किया था। इनको शायद इनको एक इनर नोइंग हो रही है कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाकर कुछ ना कुछ गलत किया, आपको टाइमली सपोर्ट इनको देना चाहिए था, ऐसा इनको शायद रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है। सच में गाइस कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं पर बहुत प्यारे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, जो कुछ भी आपकी लाइफ में रह गया था, ठीक है, जो आप हमेशा से चाहते थे और आपकी लाइफ में आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाए थे, कहीं ना कहीं आप एक जो केयर फ्री एटीट्यूड आपका है ना, आप यूनिवर्स को जरा डाउट नहीं करते होंगे, ठीक है। आपकी नेचर जो यहाँ पर है ना वो ऐसी है कि हाँ ये होता है कि आप होपलेसनेस में जाते हो, आप परेशानी में भी जाते हो, जब परेशानी में जाएगा तो ऑब्वियसली कोई इंसान परेशान ही होगा ना, वो बहुत अंडरस्टूड है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ का उतना परवाह नहीं करते हो आप में ये क्वालिटी भी होगी कि आप उसके बाद उसको डिवाइन को सौंप देते हो, ठीक है, ईश्वर को, अपने परमात्मा को सौंप देते हो अपनी चीज़ को, अपने इशू को,
और यहीं पर आपको इसी वजह से यही चीज आपके फेवर में वर्क कर गई। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो चीजें आपकी लाइफ टाइम, एक आपको ना ऐसा फील होता होगा कि बहुत कुछ रह गया। ठीक है, बहुत कुछ था जो मिलना चाहिए था लेकिन मिलने से रह गया, तो वो सब जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है वो अब आपको मिलने जाएगा, वो अब आपको मिलने जा रहा है। डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी पर्सन थे जिन्होंने पास्ट में आपको अंडरस्टैंड नहीं किया था बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो रिश्ता, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो कुछ भी लाइफ में छूटा था वो आपको फील हो रहा है कि आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, एंड नॉट ओनली फील हो रहा है बट सच में ही यह चीज़ आपको मिलने जा रही है। जो कुछ भी आपने पास्ट में आपको लगता है कि लाइफ में आपने मिस कर दिया था वो सब आपका रिकवर होने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है, तो हैप्पी हो जाइए। एंड जब अब आपको आगे कुछ भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो आपका स्टेप होना चाहिए ना वो सरेंडर का ही होना चाहिए, वो बिल्कुल आपको, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद बता रहे कि आगे अच्छे टाइम हैं आपके लिए। जब यूनिवर्स खुद बता दे ना, आपको खुद ऐसे इशारे दे दे, तो फिर ना आप उनको किसी भी तरह से ना डाउट करिए ना जज करिए, बिकॉज फिर आप अपनी खुशियों को रिजिस्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को जब आप करते हैं डाउट, ये देखिए, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द प्रॉस्पेरिटी, ऑल द अबंडेंस, ठीक है, ऑल द फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है आपको। मैं यहाँ जो देख रही हूँ आपको आगे चल के किसी न किसी तरह से आपको कुछ ऐसा होगा कि आपके आपका हो सकता है कि काम बहुत निखर जाए, आपका काम बहुत चलने लग जाए। अगर कोई काम पास्ट में अटके रह गए थे तो वो हो सकता है कि आगे चलें आपके और आपको उसमें ग्रोथ मिले, प्रोग्रेस मिले। आपको मतलब आपको एक ऐसी एनर्जी मिलाना जहाँ ओवरऑल आपका फ्रीडम मैं देख पा रही हूँ। मतलब राज करने की स्थिति में आप हैं, आप रूल करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी मतलब आपको मैं इतना कह सकती हूँ, ये कोई एग्जेजरेट करना नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसी सिचुएशन में आपका आ जाना, ऐसी स्थिति में आपको पहुँचा दिया जाएगा। यूनिवर्स ने ना गाइस आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। ठीक है, आपको जिस जगह पर लव का कमी फील हुआ वहाँ पर लव, अगर आपका मनी का ग्रोथ रुका हुआ था तो आपकी मनी की ग्रोथ भी मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के आने से। और आपको आपका डिवाइन लव भी मिल सकता है। ठीक है, आपको आपका डिवाइन लव भी मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्वीन है ना, अगर तो किंग भी होना ही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर किंग भी होना ही है, तो ओवरऑल एक ग्रोथ, एक ओवरऑल बढ़ोतरी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक वैचारिक आपकी स्वतंत्रता, और साथ में कनेक्शन को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाना, आपकी मनी का ग्रोथ होना। ठीक है, आपके पेंटिकल्स बढ़ना, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको हर तरह की मैं यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशियाँ, हैप्पीनेस आते हुए देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा आपका आगे का देख पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी आपको चोट पहुँचाई गई थी, जहाँ कहीं पर भी आपका देखो हीलिंग भी यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी आपको लगा था ना कि आप की लाइफ अब ऐसे ही चलने वाली है, या मीन्स आप बहुत वुंडेड किसी टाइम पर आपने अगर फील किया था, तो ओवरऑल यहाँ पर मैं हीलिंग भी देख पा रही हूँ। जो कोई भी लोग हीलिंग पर फोकस्ड हैं वो बिल्कुल हीलिंग होने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एक स्थिति आ गई जहाँ पर आपने आपके जो वुंड्स है ना वो हील होना, ठीक होना। तो शायद ये कार्ड इसलिए दिया गया बिकॉज मैंने सारी तरह की प्रॉस्पेरिटी बता दी थी, अबंडेंस बता दी थी, लेकिन हीलिंग नहीं बताई थी। तो ये कार्ड आके ये बता रहे हैं कि हीलिंग भी आपकी ओवरऑल होनी तय है। गाइज ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आप अब जो आगे जो वक्त निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब जो आप देखोगे, अब जो लाइफ आ रही है, अपकमिंग जो लाइफ है, इट इज ऑल अबाउट यू, यू एंड यू। इफ समवन रूल्ड यू, इफ समवन कंट्रोल्ड यू, देन प्लीज
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो वक्त जा चुके हैं, वो ओवर हो चुका है, वो आपका उसको उसको लेकर लेट गो करिए, बिकॉज वो बुरे वक्त थे। और बुरी चीज़ों को इंसान जितना ढोके चलेगा उतना ही वो अपने आप को रोकता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बोझ जितना ज़्यादा होगा ना, सफ़र उतना ही मुश्किल होगा। तो इस बोझ को उतारिए, और ये जो इतना सारे आप एनर्जी देख रहे हो, इसको इंजॉय करने का टाइम है। इसको एंजॉय करिए, लाइफ में लेकर आइए, और इसके लिए थैंकफुल होइए, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, ठीक है। इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आके बता रहे हैं कि यूनिवर्स की पूरी नज़र आप पर है, यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आपको आपकी जो भी आपकी साधना रही है उसके फ्रूट्स दिए जाएं, ठीक है ना। यूनिवर्स खुद चाहते हैं, ये यूनिवर्स खुद इनिशिएट कर रहे हैं आपको ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देने में, आपको खुशियाँ देने में, आपको ग्रोथ देने में, आपको हैप्पीनेस देने में। यूनिवर्स खुद आपको हेल्प करना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर उस चीज़ को कोई फियर अपने अंदर मत लाना, कोई डाउट अपने अंदर मत लाना, क्योंकि उस चीज़ को फिर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी कर ले, पास्ट में अगर किसी ने आपको कंट्रोल किया था, नहीं कर पाएंगे। आपके लिए, आपके प्रति लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेके लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर। कभी कोई वक्त थे जब आपको कोई दोस्त नहीं था, साथी नहीं था, लेकिन अब आपको लेकर लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके व्यवहार की तारीफ कर रहे होंगे, आपकी ग्रोथ की तारीफ कर रहे होंगे, आपने जिस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल किया, संभाला, उसकी भी तारीफ करते हैं लोग, और आपको आपको बढ़ता हुआ देखकर। अब यही लोग जो शायद पास्ट में, अगर हो सकता है आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार भी किया, तो अब ऐसा कोई चांस नहीं है, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। बिकॉज दोस्तों ये ना सच है कि चढ़ते को सभी सलाम करते हैं, ठीक है, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो ये तो दुनिया का नियम है ना। तो आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर, जिसको कहते हैं ईगो, नहीं लेके आनी अपने अंदर। ऐसा कुछ भी हो आपके अंदर, आपकी लाइफ में जब चेंजेस आएंगे, आपने और विनम्र बनना है, और ग्रेटिट्यूड करना है। किसी भी तरह की अपने अंदर ईगो को, किसी भी तरह की अपनी सेल्फिशनेस को आपने कोई भी बढ़ने नहीं देना, एक अंश भी नहीं बढ़ने देना, बल्कि आपने जो चीज़ बढ़ने देनी है वो है आपका ग्रैटिट्यूड, आपका सरेंडर। हमेशा इस भाव में रहिए कि क्या है मेरा, जो है वो सब ईश्वर का, परमात्मा का, मेरे खुदा का दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई भी डाउट के लिए अब जगह नहीं है गाइस, नो का कार्ड है, बिल्कुल नो। कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई भी किसी भी किस्म का आपको अपने मन में भय लाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी को ट्रस्ट करिए और डिवाइन को ही समर्पित हो जाइए। एंजल्स आपको ये बोल रही हैं, आपके अगर अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो एंजल्स आपको बोल रही हैं कि बिल्कुल भी आपको उस चीज़ को घबराने, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको गजब की अपनी हीलिंग फील होगी, ठीक है। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका जो कोई भी मुद्दा राइट नाउ ऊपर चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, ये कुछ भी, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इसको, ठीक है, कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आना स्टार्ट हो गया है। आपकी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपको असर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का डाउट मत करना, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनना केवल, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनना और अपनी इंट्यूशन पर ही यकीन करना। जो आपका दिल बोलता है ना, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, वही सच है, वही सत्य है, और वही अटल है, ठीक है, उसी पर यकीन करना, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। उसके अलावा जो कुछ भी आप सुनते हैं, आपको बोला जाता है, आपको प्रोग्राम करने की कोशिश की जाती है, वो सब गलत है। सक्सेस, इमेंस सक्सेस, इमेंस अबंडेंस और इमेंस आपकी ग्रोथ, ठीक है। अब उसके अंदर किसी डाउट की कोई जरूरत नहीं है। ये तीन कार्ड आके यहाँ पर बता रहे हैं, केवल आप अपनी इंट्यूशन को सुनते चलिए, हर डाउट को नो बोलते चलिए, हर फियर को, कोई फियर आता है आपके अंदर, कोई पास्ट का डाउट आता है, कोई पास्ट के ग्रजेस आते हैं, कोई पास्ट की बात आपको याद आती है, पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करती है, आपने बस नो बोलते चलना। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल सी इमेंस ग्रोथ इन योर जर्नी, इमेंस ग्रोथ इन योर पर्सनैलिटी।
एंड इमेंस हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग, ढेर सारी हीलिंग, ठीक है, अ वेरी ह्यूज लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर जर्नी, ठीक है, आप देख पाएंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे कार्ड, ठीक है, होली के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए सब कुछ सच हो जाए, आप क्लेम जरूर कर लेना। साथ ही साथ प्लीज़ मेरी सोल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए, फिर और क्या चाहिए जीवन में, आप हैं, डिवाइन है और जीवन है, तीन ही चीज़ तो चाहिए, बाकी सब तो अपने आप ही खींचा चला आएगा, ठीक है। जहाँ लाइफ है ना वहाँ होप है, ये बात याद रखिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना हिंदी में, जब जब तक सांस है तब तक आस है। तो जीवन में हमें कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी दुख पड़े, कुछ भी हो, एक बात याद रखना, लाइफ इज आवर बिगेस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग, ठीक है। जीवन हमारा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है और उसको हमने कभी भी हल्के में नहीं लेना। हम जिंदा हैं, हम सही सलामत हैं, हम सब ठीक कर लेंगे, इतना याद रखना है बस, ठीक है दोस्तों। मैं आपके इसी उम्मीद के साथ आप लोग से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लोग इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज़ नीचे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, एंड वहाँ पर भी मैं आपको निराश नहीं करूँगी। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है टाइटल में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ, ऊपर टाइटल में ही आपको नंबर दिखाई दे जाएगा, हर तरह की हीलिंग के लिए, हर तरह के मेडिटेशन के लिए और पर्सनल रीडिंग्स के लिए, वो भी सभी तरह की, चाहे आपका ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक है, चाहे आपकी कार्मिक रीडिंग है, या अदर कोई भी रीडिंग करें, करियर रीडिंग, कार्मिक रीडिंग, हर तरह की रीडिंग मैं करती हूँ आपकी, रिलेशनशिप रीडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।